ये सेक्शन थोड़ा सा, इसके बाद हम अपने स्टार्स की तरफ आएंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये जो पिंडाल सचता है ना, इनमें इन सब का कंट्रीब्यूट होता है। ये जो इन्होंने देखें, दरख्त ऐसे ही तो परवान नहीं चढ़ता ना, मेहनतें की हैं इन लोगों ने, तो आज ये परवान चढ़ा है, आज ये तनावर दरख्त बन गया है। आप लोग देख रहे हैं जो ये इन तमाम बुजुर्गों की मेहनत है, इन दोस्तों की मेहनत है। सर मैं चाहूँगा अजीज़ भाई आप भी, मैं वहाँ आ जाता हूँ कि ख्यालात का इजहार करें, क्या देखते हैं, क्या फील करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकजी जमात के अदारा एक्सिस बैंक मरकजी जमात के स्पोर्ट्स के कन्वीनर मेरे दोस्तों लोगों बहनों अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अभी शकील पानोटी साहब ने मुझे पूछा कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ आके तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस उम्र में भी जवान हो गया हूँ। हमारे माशाल्लाह जो कच्ची वन ब्राजी की टीम है, उसने दूसरी बार भी ये मैच जीता है और सुपर कप हासिल किया है। इस किस्म की खबरें सुन के यकीनी बात है बहसीत ऐसी कच्ची मेहमत के बड़ी खुशी होती है और जज्बा बढ़ जाता है। अभी थोड़ा सा मैं जिस वक्त यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हुआ था तो हमारे एक दोस्त ने दुआए खैर के लिए, दुआए मफरत के लिए आप लोगों से दरख्वास्त की थी कि जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं उनके दर्जा की उन्नति के लिए दुआए मफरत करें। मैं पहले पहले सोच रहा था कि जो बुजुर्ग पार्टीशन से पहले हमारे बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गए थे और उनके लिए आज हम मफरत करते हैं, तो आज पाकिस्तान के बनने हुए 70 साल हो गए हैं, हम लोगों के लिए कौन दुआ करेगा? हम शर्मिंदा हैं कि 70 साल में अपने बरादरी के लिए हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आने वाली नस्लें ये कहें कि हमारे पाकिस्तान बनने के बाद जो बुजुर्ग चले गए हैं उनके लिए भी हम मदद करें। बहरहाल वक्त निकल जाता है, बातें रह जाती हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि हमारी बरादरी के लोग और जो हमारी बरादरी के वर्कर्स या डोनर्स हैं सबका एक ही जज्बा है कि बरादरी की हिम्मत की जाए। कमी जो नज़र आ रही है वो इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने की है। मैं समझता हूँ अब भी ये वक्त है कि अगर हम इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें वो दिन दूर नहीं कि जो पार्टीशन के टाइम पर कच्ची मोमन बरादरी का नाम बहुत ऊंचा था और बरादरी के मुकाबले में आज हम थोड़ा उससे कम हो गए हैं, उन बरादरियों के हिसाब से हम थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन हमारी मैं समझता हूँ कि हमारी बरादरी में बड़ा टैलेंट्स है, हमारी बरादरी के पास बड़े अच्छे अच्छे डोनर्स हैं जो वो ये चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन करें और बरादरी के लिए काम करें। कमी है तो सिर्फ एक चीज़ कमी है तो हम इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि आप लोग देखेंगे कि सही तरीके से मुनज़्ज़म तौर पे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए और आने वाली नस्लें हमें इस बात पे इस बात से याद करें कि हमारे पार्टीशन के बनने के बाद भी जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी हमारी बरादरी के लिए काम किया। इस अल्फाज के साथ मैं जो चिन्हन बरादरी की जो दोनों टीमें हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर अमीन मुसानी साहब जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत बहुत शुक्रिया।